इस वायरस के चलते क्योंकि चाइना का उद्योग इस वक्त बंद है, तो लाजमी सी बात है इसका असर बड़े स्तर पर देखने को मिलेगा ही। आज की इस वीडियो में मैं चाइना की नहीं बल्कि इन सब चीजों के चलते हमारे देश भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या बदलाव देखने को मिल सकता है उस पे बात करूंगी, जिसमें प्रमुख रूप से मैं बताऊंगी कि किस तरह से भारत इस स्थिति का फायदा उठा सकता है और अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज बना सकता है। मेरी कोशिश है कि मैं किसी इकोनॉमिस्ट की तरह नहीं बल्कि बहुत ही सीधी भाषा में आपको सारी बातें बताऊं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर 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 करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चीन की आर्थिक मंदी का ग्लोबल लेवल पे क्या प्रभाव है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, चाइना इज अ क्लोज्ड कंट्री, तो पता लगाना इतना आसान नहीं है कि इस टाइम कितनी फैक्ट्रीज बंद है। चाइना से इंफॉर्मेशन एक्सेस इतनी इजीली नहीं मिलता है, पर यह कहने में कोई संदेह नहीं है कि चाइना काफी बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, जिसकी वजह से चाइना को हम वर्ल्ड फैक्ट्री बोल सकते हैं। और इस वक्त कोरोना वायरस की महामारी के चलते उसकी गति रुकी बराबर है। उदाहरण के तौर पे मोटा मोटा बताऊं तो एक साल में पूरी दुनिया में लगभग 30 करोड़ कंप्यूटर सेल होते हैं, उनमें से 90% यानी कि 27 करोड़ का प्रोडक्शन होता है चाइना में। तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि काम बंद होने से कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है वैश्विक स्तर पर, भले ही वो शटडाउन पार्शियल शटडाउन ही क्यों ना हो। डिमांड सप्लाई और प्राइस का सीधा फंडा है। डिमांड के अनुसार अगर मार्केट्स में सप्लाई नहीं हो पाएंगी तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे और इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई में हल्की वृद्धि देखने को मिल सकती है, खासकर इंडिया में, क्योंकि चाइना से हम काफी पैमाने पे इंपोर्ट्स करते हैं। अब आते हैं मुद्दे पे कि भारत कैसे उठा सकता है चाइना की इस आर्थिक व्यवस्था का फायदा। भारत चीन का पड़ोसी देश होने के साथ साथ एक सक्षम उभरता विकासशील देश है। सरकार अगर फायदा उठाने का सोचे तो काफी अवसर चाइना में कोरोना वायरस के चलते भारत को मिल सकते हैं। चलो एक एक करके उनको देख लेते हैं। पहला है भारत का मेक इन इंडिया को प्रमोट करना। मेड इन चाइना हम बहुत सी बाजारी चीजों पर देखते हैं, सोचिए अगर उसकी जगह उन्हीं चीजों पे हमें देखने को मिले मेड इन इंडिया, तो डेफिनेटली अपने देश के लिए हमें बहुत अच्छा महसूस होगा। बस इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए एक कैंपेन है मेक इन इंडिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाया था। बस अब जरूरत है सरकार को इस मुहिम को थोड़ा और पुश करने की। सरकार को चाहिए कि जिन भी मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव्स की जरूरत होगी इस प्रयास को सफल बनाने के लिए वो सब मुहैया करे। मेड इन चाइना से बचे और मेक इन इंडिया पर फोकस करे और इसे प्रमोट करे। बनेगा इंडिया में, बिकेगा इंडिया में, तो क्यों नहीं बढ़ेगी हमारी आर्थिक व्यवस्था। अब बात करते हैं चाइना से इंडिया में इंपोर्ट होने वाली स्मार्टफोन इंडस्ट्री के बारे में। चाइनीज फोन्स, इस लेबल से बिकने वाला फोन हम सब में से काफी लोगों ने कभी ना कभी जरूर इस्तेमाल किया होगा, मैंने भी किया है। तो क्या ये फोन बने बनाए चाइना से आ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। चाइना में इन फोन्स के सिर्फ कुछ पार्ट्स का प्रोडक्शन होता है जिनको इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है और इंडिया में होती है इनकी असेंबलिंग, यानी कि उन पार्ट्स को जोड़कर पूरा इस्तेमाल में आने वाला फोन इंडिया में बनाया जाता है। अब आती है बात कैसे हम चाइना के इस समय चल रही स्थिति का फायदा उठा सकते हैं। इस वक्त वायरस के चलते चाइना से फोन्स के पार्ट्स का इंपोर्ट नहीं किया जा रहा। अगर हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग की व्यवस्था को देखें और सरकार इसमें निवेश करे और इंडिया में इन पार्ट्स के प्रोडक्शन यूनिट्स को भी बनाया जाए, पार्ट्स को असेंबल करने के लिए हमारे पास असेंबलिंग यूनिट्स तो ऑलरेडी सेट हैं, बस प्रोडक्शन यूनिट्स बनाने हैं, तो हमारी सप्लाई चेन कंप्लीट हो जाएगी और ये सालों साल हमें फायदा दे सकती है। भारत में मोबाइल फोन्स के प्रोडक्शन यूनिट्स बनाने के लिए आप सबकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर शेयर करें। अब देखते हैं कि चाइना और इंडिया की लेबर कॉस्ट में जो फर्क है उससे भारत को क्या फायदा हो सकता है। ये पॉइंट जुड़ा है पिछले पॉइंट से। लेबर कॉस्ट की बात करें तो इंडिया की लेबर कॉस्ट चाइना के मुकाबले 1/3 है, यानी कि चाइना के बजाय इंडिया में वही काम करना 1/3 सस्ता पड़ेगा। अगर कॉस्ट कम है तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। और जो कोरोना वायरस से रुके व्यापार की वजह से भारत चाइना से सामान इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है,
उन सब चीजों को हम अपने देश में ही बनाने की व्यवस्था करें। इस कदम का सीधा मतलब है एक तीर से दो निशाने। इन हाउस प्रोडक्शन से विकास में बढ़ोतरी होगी और बेरोजगारी को कम करने के लिए भी कारगर साबित हो सकता है। अगला पॉइंट है ऐसी स्थिति के चलते भारत का विश्व बाजार की नजर में आना। जैसा कि मैंने बताया, चाइना की मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। बहुत से देशों में चाइना से सामान जाता है। आप खुद सोचिए कि अगर इस तरह के वायरसेस बार बार चाइना में देखने को मिलेंगे तो डेफिनेटली ग्लोबल इम्पोर्टर्स भी अन्य विकल्पों की तलाश करेंगे। उनका रुख इंडिया की तरफ हो सकता है और हमारी सरकार को पूरी तैयारी करनी चाहिए जिससे कि इंडिया इसमें खरा उतर सके। हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड्स हैं, सस्ती लेबर है, जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो कोई रीजन नहीं है कि हम इन अपॉर्चुनिटीज को टैप ना कर सके। एक और चीज जो पक्ष में है वो है कि यूएस के साथ चाइना का ट्रेड वॉर ऑलरेडी चल रहा है। उसको देखते हुए अगर इंडिया को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली इंडिया को उसकी एडवांटेज उठानी चाहिए और अपने व्यापार का स्तर बढ़ाना चाहिए। मैं ये समझती हूँ कि कहना आसान है और करना मुश्किल, क्योंकि या तो ये सरकार की प्रायोरिटी नहीं है क्योंकि NRC, CAA जैसे ही बिल पास हो रहे हैं, या फिर सरकार उस हाथी की तरह है जो सिचुएशन पे जल्दी रिएक्ट नहीं कर पा रही है। और अगर इसको इस तरह से सोचें कि यही इंडियन डेमोक्रेसी को रोबस्ट बनाती है, डेमोक्रेसी में ग्रोथ आमतौर पर स्लो और स्टीडी ही होती है, यही लोकतंत्र की सुंदरता है और इसी के साथ हमें अपने भारत को आगे बढ़ाना है, तो सोच को एक नई दिशा मिलेगी और हमारे देश की भी शीर्ष देशों में गिनती होगी। दोस्तों, क्या आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में घंटी भी दबा दीजिए। तो चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। अंटिल देन, अपना और अपनों का ख्याल रखें, उन्हें ढेर सारा प्यार करें।